भूमध्य सागर में लीबिया के पास करीब 240 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये लोग नावों पर सवार होकर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इटली के कोस्ट गार्ड ने 5 लोगों का शव निकाला है। पाकिस्तान दिवस की परेड में पहली बार चीन और सऊदी अरब की सेना ने हिस्सा लिया। परेड में टर्की के मिलिट्री बैंड मेहर ने भी परफॉर्म किया। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान F-16, JF-17 और अवाक्स की भी नुमाइश की। ब्रिटेन में हुए आतंकी हमले के शिकार लोगों को स्पेन में श्रद्धांजलि दी गई। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के राजदूत के साथ मौन रखा। मैड्रिड में ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर भी श्रद्धांजलि देने काफी लोग जमा हुए। लंदन में आतंकी हमले के बाद कोस्टारिका में संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सोमालिया नाम का ये व्यक्ति कुछ समय पहले कोस्टारिका में दाखिल हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसके तार दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ केयर प्लान के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। ओबामा केयर पॉलिसी बंद करने का भी लोग विरोध कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगल पर इंसानों को भेजने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। करीब 127,000 करोड़ के बिल को पास करते हुए ट्रंप ने कहा कि नासा ने धरती से दूर बेहतर जिंदगी के लिए लोगों को प्रेरणा दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2030 तक एस्ट्रोनॉट को मंगल पर भेजा जाएगा। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में 4 लोगों का शव मिला है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 बच्चों का शव है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ऊंची बिल्डिंग से एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया। इमारत की 8वीं मंजिल पर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर काम कर रहा था। अचानक प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा टूटने से व्यक्ति हवा में ही झूल गया। वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना ने एक फिलिस्तीनी को गोली मार दी और 3 को घायल कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक 3 लोगों ने पेट्रोल बम से हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। चीन के चिड़ियाघर में पांडा ने बच्चे को जन्म दिया। ये वीडियो चेंगू रिसर्च बेस ने जारी किया है। वीडियो में मादा पांडा अपने बच्चे को गोद में उठाकर खेल रही है।